हेलो और वेलकम, स्वागत है आपका VS फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं एमिरा डी टेन सीरीज के, जो कि सीरीज का 24वां मैच होगा, जो कि AGM वर्सेस DAVU के बीच में होने वाला है। 23 दिसंबर का ये मैच रात के 11:15 पे होगा। वेदर की बात की जाए तो बरसात होने की कोई संभावना नहीं है। अजमन वर्सेस दुबई, वेन्यू आपका मलेक क्रिकेट ग्राउंड अजमन यूनाइटेड अरब अमीरात का रहेगा। पिच रिपोर्ट बैलेंस विकेट है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 112 के पास आसपास रहने का अनुमान है। AGM की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उस्मान खान पहला मैच खेले नहीं, उसके बाद दूसरे मैच में जल्दी आउट हुए और तीसरे मैच भी ये नहीं खेले। उसके बाद के जो दो मैच जो उन्होंने खेले उसमें 25 1 ओवर 1 विकेट, 37 2 ओवर 1 विकेट और बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप देते हैं। आपकी टीम में ये प्लेयर होना चाहिए। अंश टंडन आप इनके साथ आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। शुरुआत के दो मैच खेले नहीं थे ये, उसके बाद 25-17 की इनिंग खेली है। आप चाहें तो अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब्दुल शकूर आपको विकेट कीपर सेक्शन से मिल जाएंगे। अगर इनकी परफॉर्मेंस तो देखें तो एक ही इनिंग इन्होंने बहुत अच्छी खेली जिसमें 22 रन बनाए। उसके अलावा आप देख सकते हैं 1, 22, 14, 11, 4 और 11 की इनिंग रही है। हालांकि विकेट कीपर सेक्शन से आते हैं तो इनके विकेट कीपिंग जब करेंगे तो उसमें अगर 1-2 कैच या स्टंपिंग कर देंगे तो उसके पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो अब्दुल शकूर को ट्राई कर सकते हैं या अंश नंदन को ड्रॉप कर सकते हैं, और चाहें तो आप अंश टंडन को ले सकते हैं, अब्दुल शकूर को आप ड्रा कर सकते हैं। हर्षित कौशिक की बात करें जाए तो 91-30, 1-44 इस मैच में इन्होंने बॉलिंग भी की 1 ओवर की जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला और लास्ट मैच में ये जल्दी आ गए, 1 ही रन बना पाए। अदनानुल मलिक के मुल्क की बात की जाए तो आपके साथ ये जो है बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप देते हैं। 14-2, 8 1 ओवर 1 गेंद फेंकी जिसमें विकेट नहीं मिला, 2 रन उसके बाद 4 रन बनाए और इस मैच में इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें विकेट नहीं मिला है। आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम को रख भी सकते हैं, चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी समझ से तो आप इन्हें ड्रॉप कर दीजिए। बुआरा की बात की जाए तो जिस भी मैच में इन्हें बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, परफॉर्मेंस को अगर देखें इनकी तो ये अच्छा ही कर रहे हैं। सिर्फ अगर एक इनिंग को छोड़ दिया जाए 10 की, उसके बाद इन्होंने 26 बनाए हैं, फिर मैच टीम से ड्रॉप हुए, फिर 22 बनाए हैं, तो आप चाहें तो अगर इनको टीम से लेके चल सकते हैं, लेकिन काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। अब्दुल मलिक की बात की जाए तो आपको ये बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप देते हैं। पहले मैच में 2 ओवर फेंके विकेट नहीं, दूसरे मैच में 7 रन बनाए 2 ओवर विकेट नहीं, तीसरे मैच में 16 रन बनाए 2 ओवर 1 विकेट और चौथे मैच में इन्होंने 4 रन बनाए 1 ओवर भी फेंका जिसमें विकेट मिला और लास्ट मैच में सिर्फ 9 रन बनाए जिसमें बॉलिंग नहीं किया। मोहम्मद इस्माइल की बात करें तो ये एक बेहतरीन प्लेयर है, आपकी टीम में होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं कि जल्दी आउट हुए लास्ट के दो मैचों में, बैटिंग का भी मौका मिला, 2 ओवर 1 विकेट, 3 रन बनाए 2 ओवर 1 विकेट, आपकी टीम में होनी चाहिए अगर ये खेलें तो। अंकुर सगवान की बात करें तो ये बेहतरीन प्लेयर हैं, डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, आपकी टीम में होने चाहिए। हालांकि अभी तक इन्हें विकेट नहीं मिले हैं शुरुआत के कुछ मैचों में, एक ही मैच में इन्होंने विकेट मिला, 2 ओवर विकेट नहीं, 1.3 ओवर की गेंदबाजी जिसमें विकेट नहीं, फिर 2 ओवर विकेट नहीं, चौथे मैच में इन्होंने विकेट निकाले थे अपने, 2 विकेट 2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए, लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला है। ऐसे अहमद की बात करी जाए तो अपने अपनी टीम से ड्रॉप ही कर दें। मारूफ बेब की बात की जाए तो इन्होंने 1-1 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें विकेट नहीं मिला। स्टार्टिंग के ओवर आपके लिए अंकुर संगवान, उस्मान खान, मोहम्मद इस्माइल, डेथ ओवर मारूफ बेब, अंकुर संगवान, अदनान उल मल्क मुल्क आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। इस टीम से आप किसे ट्राई कर सकते हैं, उस्मान खान को ट्राई कर सकते हैं और अब्दुल शकूर को ट्राई कर सकते हैं। हर्षित कौशिक है, अदनान उल मुल्क हैं और मलिक भी है आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। अंकुर शेखबान आपके लिए तो एक अच्छी चॉइस और मोहम्मद इस्माइल तो हैं ही। इसके अलावा सामने जो टीम है आप उसमें DAVU की टीम रौनक पनौली आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। बेहतरीन प्लेयर हैं, बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखते हैं। अगर इनके लास्ट के कुछ मैच देखेंगे तो आप देखेंगे 2 रन 2 ओवर की गेंदबाजी विकेट नहीं, 13 रन 1 ओवर की अंदाजी विकेट नहीं, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, हर मैच में आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप देते हैं, ओपनिंग करेंगे तो आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। आहान फर्नांडेस की बात की जाए तो एक बेहतरीन प्लेयर, शुरुआत के 2 मैच खेले नहीं, उसके बाद 38-16 की इनिंग है, लास्ट के मैच में जल्दी आउट हुए, 1 इनिंग इन्होंने खेली है जो पहला ही मैच था जो इनके लिए क्योंकि शुरुआत के 2 मैच खेले नहीं, उसमें इन्होंने 38 रन बनाए थे, तो प्लेयर अच्छे हैं, आपकी टीम में होना चाहिए। अहमद तारिक की बात की जाए तो लास्ट मैच में इन्होंने 34 रन बनाए, अच्छी इनिंग खेली है लेकिन उससे पहले ये कोई मैच खेले नहीं है, आप चाहें तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अंबर बदानी आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप देते हैं, हर मैच में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की थी, 3 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी की, 1 विकेट निकाला। तैमूर अली अच्छे प्लेयर हैं लेकिन काफ़ी नीचे आ रहे हैं, लास्ट के मैच में इन्होंने
40 रन बनाए, उससे पहले ये मैच खेलने नहीं थे। सफ़ीर तारिक की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन में मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। आदित्य शेट्टी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और बैटिंग के साथ ये बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखते हैं, लेकिन बैटिंग के तो फिलहाल चांस कम है क्योंकि काफ़ी नीचे आ रहे हैं। अगर इनको टीम प्रमोट करती है तो ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर इनकी लास्ट के परफॉर्मेंस देखें तो 14 रन 2 ओवर 4 विकेट और लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें विकेट नहीं मिला। युग शर्मा भी एक अच्छे हैं प्लेयर हैं, आप लास्ट के 3 में देखें 2 ओवर विकेट नहीं 2 ओवर 1 विकेट और लास्ट मैच में 2 विकेट लगाने 2 ओवर फेंकते हुए। असीम अकरम आप बात करेंगे तो लास्ट के 2 मैच देखें 2 ओवर 1 विकेट 2 ओवर 1 विकेट आपकी टीम में होने चाहिए। और एम अनिक की बात करें तो लास्ट के मैच में किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, और ओवरऑल अगर देखें तो अभी तक सीरीज में सिर्फ 12 ही रन बनाए हैं एक ही मैच में, और एक मैच में जल्दी आउट हुआ, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। अयान अहमद एक अच्छी विकेट डेथ में ओवर में भी बॉलिंग कराते हैं और एक मैच में इन्होंने 3 विकेट भी निकाले हैं 2 ओवर फेंकते हुए। इसके अलावा जो जल्दी आउट हुए 2 ओवर 2 विकेट नहीं, और लास्ट मैच में भी इन्हें विकेट नहीं मिला 2 ओवर की गेंदबाजी में। स्टार्टिंग के ओवर वसीम अकरम, युग शर्मा, आदित्य शेट्टी, रौनक पनौली, डेथ में आदित्य शेट्टी, अंबर वदानी, अयान अहमद और युग शर्मा आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। इस टीम से आप किसे ट्राई कर सकते हैं, रौनक पनौली आपके लिए मस्ट पिक बन जाते हैं, अंबर वदानी भी आपकी टीम में होने चाहिए। इसके अलावा आप अहान फर्नांडिस को ट्राई कर सकते हैं, आदित्य शेट्टी आपकी टीम में होने चाहिए, युग शर्मा और अयान अहमद ये आपको डेथ में बॉलिंग करा के देते हैं तो आपकी टीम में ये प्लेयर होने चाहिए। अमन ने अभी तक जो टीम बनाई है उसके इस तरीके से कुछ रौनक पनौली कप्तान दिया है, रीज़न सिंपल सा है, बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप ओपनिंग करने वाला बंदा है, और एम अजमल को हमने वाइस कप्तान दिया है जो कि हर मैच में अपनी टीम के लिए अच्छा कर ही रहे हैं। इसके अलावा आप किसी और को कप्तान अगर देना चाहें तो उस यू खान को ट्राई कर सकते हैं, ये भी बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमें चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।